हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की सोशोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को देखो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है डेमोग्राफी है क्या डेमोग्राफी क्या है एक सिस्टमेटिक स्टडी है पॉपुलेशन की जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से तो उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं अभी जो टर्म है डेमोग्राफी ये कहाँ से लिया गया है ग्रीक वर्ड से लिया गया है और दो वर्ड्स को मिला के बना है डेमोस और ग्राफिन डेमोस का मतलब पीपल और ग्राफिन का मतलब डिस्क्राइब तो इन दोनों को मिला के बना है डेमोग्राफी तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें पीपल को डिस्क्राइब करती हैं लोगों के बारे में बताती हैं लोगों का डिस्क्रिप्शन देती हैं उसी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं ठीक है डेमोग्राफी स्टडीज़ द ट्रेंड एंड प्रोसेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन इंक्लूडिंग चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज पैटर्न ऑफ बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन एंड द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन सच एज द रिलेटिव प्रपोर्शनस ऑफ वुमेन मैन एंड डिफरेंट एज ग्रुप तो यहाँ पे जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो जो डेमोग्राफी है इसमें क्या स्टडी किया जाता है इसमें यह देखा जाता है कि पॉपुलेशन में कौन सा ट्रेंड जो है वो चल रहा है क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है मतलब जो भी कहीं की पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है पैटर्न क्या है बर्थ कितनी हो रही है डेथ कितनी हो रही है कितने लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है कॉम्पोजिशन क्या है पॉपुलेशन का मतलब कितने मेन हैं कितने वुमेन हैं कितने डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं तो ये सारी चीज़ें डेमोग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं देर आर वेराइटी ऑफ डेमोग्राफी इंक्लूडिंग फॉर्मल डेमोग्राफी एंड विच इज़ अ विच इज़ अ लार्जली क्वान्टिटेटिव फील्ड एंड सोशल डेमोग्राफी विच फोकस ऑन द सोशल इकनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन तो दो तरह से हम डेमोग्राफी को दो भागों में बांट सकते हैं एक तो होती है हमारी फॉर्मल डेमोग्राफी जिसमें हम क्वांटिटेटिव फील्ड की स्टडी करते हैं मतलब सिर्फ संख्या जानते हैं हम कि कितनी संख्या है कितने मेन हैं कितने वुमेन हैं कितने लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ठीक है लेकिन जो सोशल डेमोग्राफी है उसमें हम क्या करते हैं सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी देखते हैं मतलब पॉपुलेशन के पॉपुलेशन का समाज कैसा है वो किस पॉलिटिकल व्यू को मानता है उनका पॉलिटिकल नज़रिया क्या है इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कैसी सोसाइटी में वो लोग रह रहे हैं कैसी जगह पर रह रहे हैं किन सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें सोशल डेमोग्राफी सॉरी डेमोग्राफी के अंदर देखी जाती हैं स्टडी की जाती हैं ठीक है थीके? तो फॉर्मल डेमोग्राफी में सिर्फ हम संख्या ज्ञात करते हैं लेकिन सोशल डेमोग्राफी में हम क्या देखते हैं कि लोगों का सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट कैसा है ऑल डेमोग्राफिक स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन counting ऑफ काउंटिंग और as सच एज or और द सर्वे involve the systematic कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन द पीपल residing विद अ स्पेसिफाइड टेरिटरी तो जितनी भी डेमोग्राफिक स्टडीज़ हैं चाहे वो फॉर्मल हो या सोशल हो सब का मकसद क्या है काउंटिंग करना डाटा कलेक्ट करना जैसे कि सेंसस है ना सेंसस में क्या करते हैं हम डाटा ही तो कलेक्ट करते हैं कि किस जगह पर कितने लोग रह रहे हैं कितना एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं किस एज ग्रुप में कितने लोग रह रहे हैं ये सारी चीज़ें देखी जाती है तो जो सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन होता है वो किया जाता है यहाँ पे और इसमें किसी भी स्पेशल टेरिटरी का जो डाटा है वो कलेक्शन होता है ठीक है अब देखो डेमोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जिसका सोशोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ठीक है क्यों क्योंकि आपको पता है ना सोशोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी कैसे कैसे हमारी बनी है क्या क्या चीज़ें सोसाइटी में चल रही हैं और ये जानने के लिए हमें यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में भी तो जानना होगा कि उनकी सामाजिक मान्यताएँ है, क्या हैं किन पॉलिटिकल व्यूज़ को वो मानते हैं किस जगह पर रहते हैं कैसा उनका इकनॉमिक कंडीशन है तो ये सब हम जब जानेंगे तभी तो आ, कुछ उनके लिए कर पाएंगे तो सोशोलॉजी का डेमोग्राफी से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है और डेमोग्राफी की अपनी इम्पोर्टेंस है सोशोलॉजी के अंदर ठीक है लिखा है ना इनफैक्ट द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी एंड इट्स सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ओड अ लॉट ऑफ डेमोग्राफी तो डेमोग्राफी की वजह से ही सोशोलॉजी का इमर्जेंस हुआ सोशोलॉजी इतनी सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो पाई Two different processes happened to take place at roughly the same time in Europe during the later half of the 18th century. The formation of nation states as the principal uh, form of political organization and the beginning of the modern science of statistics. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लेटर uh, हाफ uh, था एटीन सेंचुरी का यानी कि जो सेवेंटी फिफ्टी के बाद का टाइम था वहाँ पे यूरोप में दो घटनाएं हुई सबसे पहला तो ये हुआ कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल uh, ऑर्गेनाइजेशंस थी ना वो सामने आने लगी नेशन स्टेट्स बनने लगे ठीक है अब ने स्टेट्स बनेंगे नेशन स्टेट्स बनेंगे तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी तो वहाँ पे रूल करेगी ही तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आने लगी और साथ ही साथ दूसरा जो घटना हुई वो ये हुआ कि जो मॉडर्न साइंस है स्टैटिस्टिक्स की उसकी भी शुरुआत हुई अब जनसंख्या की स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का ज, होना ज़रूरी है तो दोनों चीज़ें हुई पहला तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी दूसरा स्टैटिस्टिक्स ने एक नया आ, शुरुआत किया तो जिसकी वजह से सेंसस को लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई तो जो मॉडर्न स्टेट थी ना उसने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया अपने रोल्स को फंक्शंस को बढ़ाना शुरू कर दिया इट हैड फॉर इंस्टेंस बिगन टू टेक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली फॉर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट पॉलिसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इकोनॉमिक रिलेटिंग रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री टैक्सीशन एंड रेवेन्यू जनरेशन एंड द गवर्नेस ऑफ सिटीज़ तो क्या हुआ शुरुआत हुई जब मॉडर्न स्टेट बनने लगा तो अ, लोगों के डेवलपमेंट की बात की जाने लगी जहाँ पर पब्लिक हेल्थ पर ध्यान दिया जाने लगा पब्लिक हेल्थ केयर मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाने लगा नए लॉज बनने लगे लॉज एंड ऑर्डर को मेनटेन करने की बात की गई इकनॉमिक पॉलिसीज़ आई जिसमें हमने टैक्सीशन की बात की रेवेन्यू जनरेशन की बात की तो ये सारी चीज़ें अब कहीं पे जो आपको रेवेन्यू लगाना है टैक्स लगाना है वो किस बेसिस पे आप लगाओगे ये देखोगे ना कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है कोई लॉ ऑर्डर आपको लगाना है ऑर्डर मेंटेन करना है लॉ को मेंटेन करना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि सोसाइटी कैसी है सोसाइटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम है पब्लिक हेल्थ को अगर मैनेज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोग रह रहे हैं वो किस एज ग्रुप के हैं उनको कौन सी डिजीज़ हो सकती है या वो किस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो ये सब जानने के लिए आपको डेमोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी आपको जनसंख्या को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी तो जब मॉडर्न स्टेट ने अपनी आ, अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया ना जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आना शुरू किया तो वो लोगों के लिए नए नए लॉज बनाने लगे और इन सब लॉज को बनाने के लिए डेमोग्राफी ज़रूरी थी सेंसस ज़रूरी था दिस न्यू एंड कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग स्पेयर ऑफ स्टेट एक्टिविटी रिक्वायर्ड द सिस्टमैटिक एंड रेगुलर कलेक्शन ऑफ सोशल स्टेटिक्स और क्वांटिटेटिव डाटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी तो इस एक्सपेंडिंग के लिए जो ये एक्सपेंड हो रहा था मॉडर्न स्टेट लगातार उसके लिए ज़रूरी था कि हमारे पास एक सिस्टमेटिक कलेक्शन का तरीका हो मतलब डाटा कलेक्शन का एक सिस्टमैटिक तरीका हो सिस्टमैटिक तरीके से हमारे पास डाटा आता रहे हमेशा हमें पता चलता रहे हमेशा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में लोगों की वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही है लोगों का जो व्यूज़ uh, है वो कैसे चेंज हो रहा है ये सब हमको पता होना चाहिए साथ ही साथ लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन का भी पता होना चाहिए द प्रैक्टिस ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोशल स्टेटिक्स बाय द स्टेट इज़ इन इट्स मच ओल्डर बट इट रिक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म टूवॉर्ड्स द एंड ऑफ द एटीन सेंचुरी तो देखो पुराने समय में भी डाटा कलेक्शन होता था लोगों के की जनसंख्या जानी जाती थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी अब नई चीज़ें आनी शुरू होनी चाहिए थी नई चीज़ों की तरफ हमको बढ़ना ज़रूरी था क्योंकि पुराने तरीके से अब हम उतना ज़्यादा डाटा दा, कलेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे द अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790 नाइन्टी वॉज प्रॉबेबली द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस एंड द प्रैक्टिस वॉज सोन टेकन अप इन यूरोप एज वेल इन द अर्ली एटीन हंड्रेड तो देखो अब हुआ क्या कि जो सबसे पहला आ, सेंसस आया था वो सब कब शुरू हुआ था सेवनटीन नाइन्टी में और कहाँ किसने शुरू किया था अमेरिका ने यह सबसे पहला मॉडर्न सें सेंसस था उसके बाद धीरे धीरे जब एटीन हंड्रेड की शुरुआत हुई जब नाइन्टीन सेंचुरी में हम जाने लगे तब यूरोप में भी आ, ये जो सेंसस है मॉडर्न सेंसस ये आ गया था इंडिया में पहली बार ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कराया था 1867 से 72 के बीच में तब से हर 10 साल पे इंडिया में सेंसस कंडक्ट कराया जाता है 1881 में दूसरी बार कराया गया और अगर इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो 1951 में पहली बार इंडिपेंडेंस इंडिया में सेंसस कंडक्ट कराया गया था और मोस्ट रिसेंट सेंसस जो था वो कन, कब कंडक्ट हुआ 2011 में कंडक्ट हुआ कोविड की वजह से 2021 वाला कंडक्ट हो नहीं पाया द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड सिंस चाइना विच हैज़ अ स्लाइटली लार्जर पॉपुलेशन डज नॉट कंडक्ट रेगुलर सेंसस तो इंडिया मतलब सबसे बड़ी ऐसी कंट्री है जो कि सेंसस कंडक्ट कराती है क्योंकि इंडिया का जो की पॉपुलेशन है आपको पता है सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा चाइना की है चाइना के बाद हमारी है लेकिन चाइना रेगुलर बेसिस पे सेंसस कंडक्ट नहीं करा पाता हम ही हैं इंडिया ही है जो इतने बड़े लेवल पे सेंसस कंडक्ट कर, uh, कराती है डेमोग्राफिक डाटा आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ स्टेट पॉलिसीज़ स्पेशली दोस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरल पब्लिक वेलफेयर तो डेमोग्राफिक डाटा का कलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है क्यों ज़रूरी है ताकि स्टेट पॉलिसीज़ को प्लान किया जा सके उनको इंप्लीमेंट किया जा सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा सके और जो भी पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें हैं उसको किया जा सके बट वैन दे फर्स्ट इमर्ज सोशल स्टैटिक्स ऑल्सो प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन फॉर द न्यू डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी तो देखो ये जो सोशल स्टैटिक्स था ना इसने एक जस्टिफिकेशन किया सोशलॉजी के साथ भी क्योंकि सोशोलॉजी भी उस समय क्या था नया नया डिसिप्लिन था नया नया सब्जेक्ट था अब समाज के बारे में आप कैसे जानोगे जब आपको वहाँ की रहने वाली जनसंख्या के बारे में पता चलेगा तो जो ये स्टैटिक्स आई थी ना सोशल स्टैटिक्स इसने सोशोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया अच्छे तरीके से प्रभावित किया ठीक है एक पोस्ट पॉजिटिव वे में प्रभावित किया और इससे सोशोलॉजी को एक नया रूप मिला एग्रीग्रेट स्टैटिक्स और द न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिफर्स टू अ लार्ज कलेक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ पीपल ऑफर अ कंक्रीट एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल फिनमिना तो ये जो स्टैटिक्स आई ये जो जनसंख्या हमें पता चली जनसंख्या के बारे में पता चला इससे ये भी समझ में आया कि कैसे सोशल फिनोमिना होते हैं कैसे जो सामाजिक घटनाएँ हैं वो होती हैं कैसे सामाजिक घटनाओं के ऊपर जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है देखो जिस जगह पे जैसी सोसाइटी रह रहे जैसे लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे उस तरह की घटनाएं होती हैं जैसे इसी के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि क्या कारण है कि लड़कियों की संख्या घटती जा रही है किन स्टेट में क्या कारण है कि लिटरेसी रेट कम है तो ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं उस तो उस समय जब हमें पता हो कि जनसंख्या कहाँ पे किस तरह की रह रही है उनका इकोनॉमिक uh, स्टेटस कैसा है उनका उनके पॉलिटिकल व्यूज़ कैसे हैं तो इससे हम बहुत सारी घटनाओं के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये घटना क्यों हो रही है क्या रीज़न है इस घटना के पीछे हो सकता है जो लिटरेसी नहीं है उसके पीछे कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि कारण हो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना तो उसका असर भी तो पड़ सकता है लिटरेसी रेट पर और लिटरेसी रेट का असर पड़ सकता है जनसंख्या के बढ़ने पर अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे जनसंख्या की ग्रोथ को शायद रोकने में वो लोग इतना योगदान भी नहीं दे पाएंगे ठीक है तो इस तरह से ये जो सोशल स्टैटिक्स था इसका बहुत असर पड़ा सोशोलॉजी पे और सोशल फिनोमिना पे इवन दो कंट्री लेवल और स्टेट लेवल स्टैटिक्स लाइक द नंबर Uh, of death per 1000 population or the death rate are made up by aggregating uh, individual deaths the death rate itself is a social phenomena and must be explained एट द सोशल लेवल तो जब हम गणना करते हैं जनसंख्या की जब हम कलेक्शन करते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस समय हम थाउजेंड के में देखते हैं ना कि हर थाउजेंड पे कितने लोग हैं इलिटरेट हैं कितनी थाउजेंड uh, कि, uh, बॉयज पे कितनी लड़कियां हैं पर थाउजेंड पॉपुलेशन पे कितनी डेथ हो रही हैं कितनी मोटेलिटी रेट क्या है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम किस पर निकालते हैं पर थाउजेंड पॉपुलेशन पे ही निकालते हैं ठीक है ठीके? तो अगर डेथ रेट हमें पता चल रहा है हमें पता चल रहा है कि अच्छा हर थाउजेंड पे इतने लोग मर रहे हैं इतनी जो मोर्टैलिटी रेट इतना है तो उससे हमें ये समझ में आता है कि क्या अब हम जब ये हमें पता है तो हम रीज़न भी तो पता करेंगे ना कि क्या रीज़न है कि डेथ रेट यहाँ पे इतनी ज़्यादा है क्या रीज़न है कि किसी नेशन में डेथ रेट इतनी कम है कहीं कहीं इतनी ज़्यादा है तो हो सकता है फिर हमें पता चले कि अच्छा इसका कारण हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं हो सकता है हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी ना मिल पा रही हूँ तो इन सब का जो जो सामाजिक घटनाएँ हो रही हैं उन सब का कहीं ना कहीं पता लगाने के लिए डाटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनसंख्या का डाटा हमारे पास होना चाहिए इमायल दुर्खाइम्स फेमस स्टडी एक्सप्लेनिंग द वेरिएशन इन सुसाइड रेट्स एकरॉस डिफरेंट कंट्रीज वॉज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस तो जो अभी हमने बात की ना कि ये डाटा कलेक्शन सेंसर्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है तो उसका एक एग्ज़ाम्पल इमाइल दुर्खाइम की फेमस स्टडी है जो उन्होंने सुसाइड रेट्स पर की थी उन्होंने बताया था कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ में सुसाइड सुसाइड uh, जो रेट हैं वो अलग अलग हैं आत्महत्या का जो दर है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है क्यों कहीं पे आत्महत्या ज़्यादा हो रही है क्यों कहीं पर आत्महत्या कम हो रही है तो उन्होंने पूरा एक स्टडी किया था और ये स्टडी अगर वो नहीं कर पाते अगर उनके पास ये डाटा नहीं होता कि कितनी सुसाइड हो रही हैं अगर उन्हें सुसाइड रेट नहीं पता होता तो वो शायद उसका कारण भी नहीं पता कर पाते उनके दिमाग में आया ना ये बात कि कहीं पे कम सुसाइड हो रहा है कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रहा है कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो रीज़न उनको पता करना ज़रूरी उन्होंने समझा और ये दिमाग में उनके कैसे आया जब उन्होंने सेंसस को समझा उन्होंने देखा कि रेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग है अगर उन्हें ये जनसंख्या ही नहीं पता चलती कि कितनी जनसंख्या सुसाइड कर रही है सुसाइड रेट क्या है तो शायद वो कारण भी पता नहीं कर पाते ठीक है दुर्खाइम आर्ग्यूड दैट द रेट ऑफ सुसाइड नंबर ऑफ़ सुसाइड्स पर वन लाख पॉपुलेशन हैड टू बी एक्सप्लेन बाय सोशल कॉजेज इवन दो ईच पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ सुसाइड हैव इन्वॉल्व रीजन स्पेसिफिक टू दैट इंडिविजुअल और हर हिज सर्कमस्टांसिस तो यहाँ पे दुर्खायम ने ये आर्ग्यू भी किया कि जो रेट ऑफ सुसाइड है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है सोशल कॉजे के द्वारा एक्सप्लेन हो रहा है मतलब सामाजिक कारणों की वजह से ही लोग सुसाइड कर रहे हैं ये उन्होंने बात कही थी ठीक है और यहाँ पे जो रेट उन्होंने निकला था कि सुसाइड का जो रेट है वो क्या है तो वो उन्होंने था वन लाख पॉपुलेशन पे निकाला था वन लाख पॉपुलेशन पे कितने लोग प्रति एक लाख पॉपुलेशन पे कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं और कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम जो ये रेट था वो कारण उसने उन्होंने इसका सोशल कारण ही बताया था कि सामाजिक कारणों की वजह से ही लोग सुसाइड करते हैं और उन्होंने ये बात भी मानी कि हो सकता है पर्सनल रीजंस भी हो लेकिन ज़्यादातर इसके लिए उन्होंने सोसाइटी को ही जिम्मेदार बताया था उन्होंने बताया था कि सोशल कारण ही होते हैं सु, सुसाइड के पीछे समटाइम्स अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन फॉर्मल डेमोग्राफी एंड अ ब्रॉडर फील्ड ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ तो देखो फॉर्मल डेमोग्राफी और जो एक विस्तृत फील्ड है पॉपुलेशन स्टडी की उसमें बड़ा अंतर है क्योंकि फॉर्मल डेमोग्राफी में हमने क्या किया था सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा लिए थे सिर्फ हमें नंबर्स पता चले थे लेकिन जब हम पॉपुलेशन को बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करते हैं तब हम वहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखते हम ये भी देखते हैं कि पॉपुलेशन में किस तरह के लोग रह रहे हैं उनका नज़रिया कैसा है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उनके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं ये सब हम देखते हैं तो फॉर्मल डेमोग्राफी इज़ प्राइमरली कंसर्नड विद द मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज तो यहाँ पे हम ये बस देखते हैं जो फॉर्मल डेमोग्राफी है यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली ये हम देखते हैं कि फॉर्म पॉपुलेशन चेंज किस बेसिस पे हो रही है कितनी जनसंख्या है और कैसे वो चेंज हो रही है कौन कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन में बदलाव हो रहा है तो ये जो फॉर्मल डेमोग्राफी है ना इस पर इसमें किस पे फोकस किया जाता है मैथमेटिकल मैथड पे फोकस किया जाता है यहाँ पे हम जनसंख्या के बारे में पता लग लगाते हैं और फोरकास्ट भी करते हैं मतलब प्रडिक्शन भी करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस बेसिस पे होगी आज से दस साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी ठीक है तो ये चीज़ें भी हम पता करते हैं हम एक फ़ोरकास्टिंग भी करते हैं हम ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितनी तरह से जनसंख्या बदलेगी क्या क्या बदलाव उसमें आएंगे पॉपुलेशन स्टडीज़ और सोशल डेमोग्राफी जिसको हम सोशल डेमोग्राफी कहते हैं अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ये क्या है ये इंक्वायर करता है कि जो पॉपुलेशन है ना उसमें जो बदलाव आ रहे हैं उसके कारण क्या है ये ये नहीं कहता कि कितने बदलाव आएंगे ये उसके पीछे का कारण भी पता करता है और उनके कॉन्सिक्वेंसेज भी पता करता है ठीक है अंतर समझो देखो फॉर्मल डेमोग्राफी में हम सिर्फ मैथमेटिकल डाटा लेते हैं हम मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करके बता देते हैं कि जनसंख्या आज इतनी है आज से दस साल बाद इतनी होएगी ठीक है उसमें हम लेकिन हम जब सोशल डेमोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये भी बताते हैं कि जो पॉपुलेशन चेंज होगा उसका रीज़न क्या है क्यों वो चेंज होगी और जब चेंज होगी तो उसके परिणाम क्या होंगे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका क्या परिणाम होगा पॉपुलेशन घटेगी तो उसका क्या परिणाम होगा ये भी चीज़ें पढ़ी जाती है सोशल डेमोग्राफी में ठीक है इसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या नहीं बताई जाती सोशल डेमोग्राफर्स बिलीव दैट सोशल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर रेगुलेट डेमोग्राफिक प्रोसेस लाइक सोशल डेमोग्राफर uh, तो हैं जो कि सोशल डेमोग्राफी को करते हैं इनको ये विश्वास है कि समाज का असर पड़ता है डेमोग्राफी पे ठीक है जो जनसंख्या है उस पर किसका असर पड़ता है सोसाइटी का असर पड़ता है सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं उसका असर जनसंख्या पे पड़ता है और ये ही सेम चीज़ सोशोलॉजिस्ट भी सोचते हैं क्यों क्योंकि उनको भी एक सोशल रीज़न चाहिए होता है पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को समझने के लिए वो पॉपुलेशन को किससे कनेक्ट करते हैं सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं कि क्या रीज़न है कि पॉपुलेशन में ये बदलाव हो रहे हैं लोग किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उसका उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है और उसी के बेसिस पर उनके लिए लॉज एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ लाई जाती हैं तरह तरह की चीज़ें होती हैं उनके वेलफेयर के लिए ठीक है तो फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी में याद रखना इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कुछ थियोरीज और कॉन्सेप्ट डेमोग्राफी के इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फॉर वॉचिंग